सावन सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार था जो शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था और वो इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसी को किसी बात का कष्ट है, तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, ये इसी से दुखी रहता है। ये बात सुन माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वो केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन ये भी कहा कि वो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वो पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और नवे महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी से बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वो अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। उसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोज कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था और जिससे उसका विवाह होना था वो एक आंख से काणा था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बैठा कर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वो ढेर सारा धन देंगे, तो वो भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वो तो एक आंख का काणा है। इसके बाद वो अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ये लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया, बारात वापस लौट आई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वो बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव से कहा कि हे प्रभु, कौन रो रहा है। इतना तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा इसके माता पिता के रोते रोते प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वो भोग चुका है, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर का धन्यवाद किया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमार ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न ने शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। कुंडी टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।